नमस्कार छोटे छोटे प्यारे बच्चों, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बच्चों के गार्जनों के लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि गार्जन की बड़ी समस्या रहती है। बहुत सारे कॉल भी आते रहते हैं कि 12वीं के बाद बच्चे को क्या कराए। तो सबसे पहले बच्चे को ट्राई इसी चीज में करना चाहिए 12वीं के बाद में, कि जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, जिसमें आप सारी यूनिवर्सिटियां जैसे JNU, DU, JNU, BHU, MU, सारी यूनिवर्सिटियां जितनी भी हैं, उन यूनिवर्सिटियों में प्रवेश के लिए वर्तमान में एक पेपर होने लग गए हैं। एक ही पेपर होता है सबके लिए अब वर्तमान में, जिसे CUET नाम दिया गया है। CUET फॉरम जो है उस इनकी फॉरम की जो लास्ट डेट है वो कल है, और बढ़ने के चांसेस अगर बढ़े तो मैं आपको सूचना दे दूंगा कि फॉरम की बढ़ा दी गई जिन लोगों ने भर रखा है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में लोग इतने एडवांस नहीं है कि इन चीजों को कईयों को तो पता ही नहीं है, जबकि पंजाब हरियाणा दिल्ली के आसपास के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो इसी की तैयारी करते हैं। अब आपको सर आपको कैसे पता, क्योंकि हम जब पहले चलाया था इनके बेंच चलाते थे हम, तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ बच्चे पंजाब हरियाणा दिल्ली उस क्षेत्र के आते थे, इस वजह से हमारे वालों को अब पता थोड़ा थोड़ा होने लगा है। तो आप कहोगे कि सर हम बच्चे को इसमें तैयारी करवाएं, क्या फायदा? बहुत फायदा है, ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं। पहली बात तो इनमें आपके लिए सब कुछ फ्री हो जाता है, हॉस्टल भी फ्री हो जाता है, स्कूल के कॉलेज की नाममात्री 200-250 रुपये साल की फीस होती है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, जितने भी बड़े नेता IAS, आपको पता है JNU को IAS फैक्ट्री बोला जाता है, फिर जैसे आप पुलिस में आते हो SI या राजस्थान पुलिस वगैरह जिसमें भी आती हो, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, इसके नंबरों के फायदे होते हैं, यानी इसमें फायदा ही फायदा होता है। अगर इसमें आपका प्रवेश सिलेबस भी कोई इतना टफ नहीं होता, तो इन चीजों के लिए आपको पूरी जानकारी, आप इम्तिहान से देखेंगे कि पूरी जानकारी जो हमारी टीम के टीचर है वो आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे, किस प्रकार से क्या फॉर्म भरना, कैसे तैयारी करनी, पूरा सिलेबस का। और 10 तारीख को हमने इसके लिए एक सेमिनार भी रखा है, सारे बच्चे जो अभी 12वीं कर रहे हैं, 12वीं जो कर चुके हैं या जिनका पेपर हो गया है, या इसमें प्रवेश के लिए क्या प्रक्रिया, क्या 10 तारीख को सेमिनार है जिसमें नंबर भी दिए गए, आप इन पे कॉन्टेक्ट करके। गुरुकुल ऑफलाइन बेंच, हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही बेंच ला रहे हैं, ऑनलाइन हमारा पहले से चल रहा है, ऑफलाइन अब लेके आ रहे हैं, और हम जब लेके आ रहे हैं तो आपको पता है तो फीस तो राजस्थान में सबसे कम हमारी ही होगी। ऑफलाइन के अंदर भी हम कम फीस नाम मात्र, क्योंकि आगे नाम मात्र वाले में जा रहे हो, तो जिन बच्चों आर्थिक स्थिति खराब हो वो बच्चे इनकी तैयारी करें तो एक प्रकार से कुछ ना कुछ सेटल होके ही इन बड़ी यूनिवर्सिटियों से कहीं ना कहीं सेट हो ही जाते हैं, विदेश में घूमने तक, विदेशी कंपनियों में या जहां भी। तो ये यूनिवर्सिटियां हैं जो 12वीं के बाद में ग्रेजुएशन वगैरह जो करना चाहते हैं, सभी के बेंच हमारे प्रारंभ हैं। अब इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको गुरुजी देंगे, एक आराम से सुनना इनको, क्योंकि बड़े काम की बात है, हर गार्जियन के लिए काम की बात है, और 12वीं जो कर रहा है उसके लिए तो अति महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। चलो गुरुजी से सीखो क्या क्या जानकारियां हैं वो सारी। नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड, और आज हम आपके साथ चर्चा करूंगा CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी ये वो एग्जाम है जो क्लास 12th के बाद स्टूडेंट को देश के डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इस एग्जाम को देना होगा। यानी कक्षा 12 जैसे ही होती है तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि अब क्या करें, तो स्कोप बहुत कम होते हैं स्टूडेंट्स के पास। एक स्कोप ये रहता है कि गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करें। गवर्नमेंट जॉब्स की अगर हम बात करें तो आप पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा जॉब्स कम हो रही है, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, जो हो रही है उनमें धांधली हो रही है, कभी कुछ। अब तो अपन इस सब चीजों पे नहीं बैठ सकते अकेले, यानी अब एक जमाना है स्किल का। मोदी जी बार बार कहते हैं कि आपके पास स्किल होनी चाहिए, यानी आपके पास कुछ ऐसा यूनिक काम हो जो आपको बेरोजगार नहीं रहना पड़े उसके लिए। तो हम आज उन्हीं कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे जहां से पढ़ने के बाद उसके उनमें से जो कोर्स दिए गए हैं वो कोर्स करने के बाद आप शायद बेरोजगार नहीं रहेंगे। शायद मैंने इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप वहां जाके कितनी मेहनत करते हो। तो इसी फील्ड में अगर हम बात करें CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक DU, JNU, BHU, EFLU, TIS, इन सब का एग्जाम इस बार एक ही चैनल से होगा। जिस प्रकार पहले IIT और NET का एग्जाम के बारे में हमने देखा होगा कि एक ही पेपर से अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन हो जाते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस होती है, वैसे ही अब देश की जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें एडमिशन की प्रोसेस क्या रहेगी, ये CUET से। अब सर इनमें ग्रेजुएशन ही करनी है या फिर अपनी पढ़ाई आगे जारी रखनी है तो मैं यहाँ लोकल यूनिवर्सिटी से न करके वहां क्यों जाऊं? सबसे बड़ा यही आता है कि मैं JNU में क्यों जाऊं, मैं JNVU से क्यों न करूं, जो राजस्थान की स्टेट यूनिवर्सिटी है JNVU, वहां से क्यों न करूं? तो आपको बता दें इनमें अंतर ये है, सबसे बड़ा अंतर है इनकी रैंक का। NIRF रैंक की बात करें तो JNU का नंबर पहला आता है, यानी देश का सबसे सेकंड रैंक आती है, यानी देश का दूसरा सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है। जबकि JNVU की बात करें, क्लासेस की बात करेंगे, यहां रेगुलर क्लासेस
एजुकेशन का जो लेवल है आपका, उसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, ये ही चीज है जो आपको यहाँ से अलग करेगी स्टूडेंट्स को, बाकी स्टूडेंट से आपको भीड़ से अलग ले जाएगी। यहाँ के जो कोर्सेज हैं, अगर आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हो ग्रेजुएशन के टाइम, तो साइकोलॉजी सोशियोलॉजी ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी, वो जेएनयू में नहीं मिलेगी। जेएनयू में क्या मिलेगा? जेएनयू में आपको पढ़नी है फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा। फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने का फायदा क्या है सर? फॉरेन, जैसे मान लो यहाँ जेएनयू में फॉरेन लैंग्वेज 10 पर्शियन, पश्तो, अरेबिक, चाइनीज, रशियन, जापानीज, कोरियन, स्पेनिश, फ्रेंच, ये सारी लैंग्वेज पढ़ने के बाद क्या है, आपको अगर आप में गट्स हैं, दम है, तो आप जा सकते हो फॉरेन, वहां पे अच्छी खासी। आपको बता दूं, साल 2016 में मैंने खुद ने सुभाष सर और उनकी टीम के सानिध्य में रहकर तैयारी की थी, और मैं बीएचयू और मेरे कुछ साथी जो जेएनयू में गए थे, कुछ साथी डीयू में गए थे, कुछ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में गए थे, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट आज फॉरेन में है, कोई स्पेन में है, कोई जर्मनी में है, कोई किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है। तो ये वही इसका फायदा यही रहा कि आप नॉर्मल एजुकेशन ना प्राप्त करके इन इंस्टीट्यूट से एजुकेशन लोगे तो आपको आगे जाने के अवसर मिलेंगे, आपको फ्री में फॉरेन घुमाया जाएगा, सरकार के खर्च पे आप विदेश में पढ़ोगे, अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब मिल जाती है, अमेजन फ्लिपकार्ट में अच्छी पर मंथ जो है 60-70-80 हज़ार रुपए की जॉब मिल जाती है, 10-15 लाख रुपए पर एनएम तक का प्लेसमेंट होता है यहाँ पे। यानी यहाँ पढ़ने का पहला फायदा यहाँ का एजुकेशन लेवल, दूसरा जो फायदा है वो यहाँ का है फीस स्ट्रक्चर, यानी आपको बहुत कम फीस में बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिले। आपने जेएनयू का नाम सुना होगा, 216 रुपए में ग्रेजुएशन करवा रही है पर एनएम का, हॉस्टल फैसिलिटीज फ्री मिलती है, इंटरनेट फैसिलिटी फ्री मिलती है आपको, लाइब्रेरी, बुक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम वगैरह, ये सारी चीजें ये फ्री में आपको वहां मेहमान की तरह रखा जाएगा आपको। तो ये सारा। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा वो है कैंपस प्लेसमेंट, यानी कैंपस में आएगी कंपनियां, वो कंपनियां आपसे इंटरव्यू लेके और आपको कहेगी हाँ हमें आप पसंद हो, हम आपको इतने लाख रुपए दे देंगे, अब आप हमारे साथ चलो, हमारे यहाँ जॉब करो। तो उससे अच्छा तो क्या कुआ प्यासे के पास खुद चल कर आया है। नौकरी देने के लिए कंपनियां आती हैं कैंपस में। अब जेएनयू के बारे में कभी आप जाके वहां नोटेबल एल्यूमनाई सर्च करना गूगल पे जाके, जेएनयू के बारे में नोटेबल एल्यूमनाई, वहां आपको देखने को मिलेगा देश की वित्त मंत्री जेएनयू की स्टूडेंट है, देश के फाइनेंस सॉरी विदेश मंत्री जेएनयू के स्टूडेंट है, अभिजीत बनर्जी नोबेल प्राइज विनर है जेएनयू के स्टूडेंट है, कुछ एक्टर, कुछ नेताओं के नाम आप सुनो, कई कई पार्टियों के तो अध्यक्ष तक या महासचिव तक जेएनयू से पढ़े हुए हैं। तो ये इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पढ़ने का बहुत फायदा है। हमारी टीम जो है पिछले 8-10 वर्षों का अनुभव है, उस 8-10 वर्षों में 2000+ स्टूडेंट्स को अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में भेजा है, वो स्टूडेंट्स इस बार CUET 2022 UG के लिए आप सब लोगों को अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में भेजने के लिए फिर तैयार है। तो यहाँ हमारे जो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस होंगी, उन क्लासेस में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, किस प्रकार से आपको कोर्स चूज करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको चूज करनी है, वो सारी चीजें पिछला अनुभव प्लस भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपको कोर्स के बारे में बताएंगे। यानी आपकी प्रॉपर काउंसलिंग, एक एक स्टूडेंट की प्रॉपर काउंसलिंग करवा के ये कुछ कोर्स हमने जनरेट किया था। फिर हम बात करें थोड़ा सा, आपको मैं बता दूं हमारे कोर्स के बारे में, यहां 5 मई है, 5 मई 2022 से ऑफलाइन और ऑनलाइन नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, वहां आपको तैयारी करवाई जाएगी DU की, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, चाहे आपका BA हो, BCOM हो, BSc हो, BVA हो, BFA हो, BSc हो, ये सारे DU के कुछ कोर्सेज हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मैंने आपको कुछ लैंग्वेजेस बताई थी, जर्मन, चाइनीज, स्पेनिश, पर्शियन, पश्तो, अरेबिक, फुल लैंग्वेज का कोर्स है वो BA के लिए, उसकी तैयारी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये वो विश्वविद्यालय, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय, जहां 35,000+ स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, और यहां के जियो फिजिक्स की जब आप चर्चा कैंपस प्लेसमेंट की बात करोगे, 20 लाख रुपए पर साल की आपकी सैलरी होने वाली है, अगर आपने जियो फिजिक्स में या फिर सोशल वर्क में, रूरल डेवलपमेंट में एडमिशन मिलता है आपको, तो बहुत सारे जॉब के, प्लस जिनका सपना है UPSC की तैयारी करने का, यहाँ JNU ने इस बार भीमराव अम्बेडकर ऐसा कुछ नाम करके की योजना निकाली है, उसमें जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, चाहे वो SC ST हो, BPL हो, उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को UPSC की फ्री कोचिंग करवाई जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, देश का पहला अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, आपको JMI मिल जाएगा, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये वो JMI जहां की रेजिडेंशियल कोचिंग चलती है फ्री SC ST और माइनॉरिटीज के स्टूडेंट्स के लिए। UPSC की इस बार की जो भर्ती थी उसमें 52+ स्टूडेंट्स का UPSC मेंस क्लियर हुआ है यहां से फ्री कोचिंग करके। तो
ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इसके तुलजापुर कैंपस है, हैदराबाद कैंपस और गुवाहाटी कैंपस है और मुंबई कैंपस, इन चार कैंपस में वो आपके बीए सोशल वर्क और बीए सोशल साइंस के लिए एडमिशन होता है। उन एडमिशंस के बाद ये टाटा इंस्टीट्यूट कहता है आप हमारे यहाँ पढ़िए, हम आपको 100% कैंपस प्लेसमेंट देंगे, यानी आप नौकरी लगोगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगोगे तो हम आपको नौकरी देंगे, यहाँ से खाली हाथ नहीं भेजेंगे। इससे अच्छा क्या है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज, पर्शियन, पश्तो, अरेबिक, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, रशियन, कोरियन, ये लैंग्वेज प्लस मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता, जिसको मास कम्युनिकेशन में आज का सबसे बर्निंग करियर ऑप्शन कह सकते हैं जर्नलिज्म है, उसमें आपको एडमिशन मिलता है। इसका भी हैदराबाद, लखनऊ और गुवाहाटी, सॉरी शिलोंग कैंपस है। इसके अलावा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस, आज यहां आपको ब्रीफ में बताया जा रहा है, बहुत ही हल्के में बताया जा रहा है, जब आप हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में आओगे या फिर और वीडियो जाएंगे, उसमें एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाएगा क्या करियर के ऑप्शन है, कितना फायदा मिलता है। यहां कुछ एक के बारे में हम बात कर रहे हैं, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस भारत की दूसरी पुलिस यूनिवर्सिटी, राजस्थान की पहली पुलिस यूनिवर्सिटी, यहाँ पे दो कोर्स हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का एक कोर्स है, यानी बीए सोशल साइंस है उसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ में वो राजस्थान पुलिस की एसआई और कांस्टेबल की भर्ती में आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे यहाँ से। दूसरा कोर्स है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये वो कोर्स बड़ी बड़ी कंपनीज आपकी यहाँ आती है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स की का इंटरव्यू लेती है, उनको जॉब देती है, प्लेसमेंट देती है, 10 से 20 लाख रुपए पर एनम तक प्लेसमेंट यहाँ के स्टूडेंट्स का हो जाता है। ये जोधपुर में स्थित है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यूपीएससी का सपना देखने वालों के लिए बेहतर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये किशनगढ़ है राजस्थान में अजमेर के पास, वहां ये इंस्टीट्यूट है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यहाँ आपको बीएससी करवाई जाती है, BSCMS इंटीग्रेटेड है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, स्टेट्स, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी, आपने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा, ये वो इंस्टीट्यूट है जहां आपको बीएससी करवाई जाती है ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट में और बीबीए करवाया जाता है, और रेलवे में अगर आपको बी और ए और बी ग्रेड की नौकरी चाहिए तो आप ये एक चैनल हो सकता है आपके सामने, NRTI, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। इसके अलावा ये तो वो एग्जाम है जो CUET से होंगे, ये इंस्टीट्यूट के, इसके अलावा भी कुछ अलग अलग, जैसे नाइजर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च, जिसमें नेस्ट के थ्रू एग्जाम होता है, उसके अलावा आइजर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च, जो आपका इसके साथ कैंपस है, BSMS डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है 5 साल में, उसकी तैयारी के लिए भी यहाँ अवेलेबल है हमारे पास। HSW, जिसका सपना UPSC करने होता है, IIT से UPSC करना या IIT से अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करना है ह्यूमैनिटीज में, आर्ट्स के सब्जेक्ट में, HSW, IIT मद्रास करवाता है, इसका कोर्स है HSW, और ये जो कोर्स है HSW का, यहाँ इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको जैसे आपकी ग्रेजुएशन होगी या पोस्ट ग्रेजुएशन होगी तब तक आपको वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो लगभग UPSC में आते हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट स्टडीज, इंग्लिश, RIE, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। इस RIE में आपको 4 साल का BA BEd, BSc BEd का प्रोग्राम है, NCERT इसको चलाता है, इसके 5 कैंपस है भारत में, LNIP, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिन स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्स में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे लाइक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है जहां से आप BPed और BPS का कोर्स करते हो, उनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी अवेलेबल हमारे पास। फैशन डिजाइनर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड फैशन टेक्नोलॉजी, जिसके 16 कैंपस भारत में है, यहाँ फैशन डिजाइनर बनने के अलग अलग कोर्सेस है, उनका एंट्रेंस एग्जाम जो कैट और गेट का एग्जाम होता है उसके भी एडमिशन जो है उनकी तैयारी हम लोग करवाते हैं। ये पूरे इनके ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच 5 मई से स्टार्ट हैं और 5 मई से आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ आपको ऑनलाइन क्लासेस तो मिलेगी, सॉरी ऑफलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास के साथ ऑनलाइन एक्सेस मिल जाएगा ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को बहुत कम फीस में, ऑफलाइन ऑनलाइन एक्सेस। उसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा यहाँ पे PDFs के रूप में, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज आपकी चलेगी। इसके अलावा जो चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सर के नेतृत्व में जो टीम थी उस टीम से पढ़े हुए स्टूडेंट जो आज अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई कर रहे, चाहे वो कोई JNU में है, कोई TIS में, कोई स्पेन में, कोई जर्मनी में, कोई फ्रांस में है, उन विद्यार्थियों के लाइव सेशंस करवाए जाएंगे, वो आपको करियर के बारे में बताएंगे क्योंकि उनको ज्यादा पता होता है हम सब लोगों से। ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी, आप यहाँ आइए बेहतर CUET की तैयारी के लिए। पिछले 8 वर्षों का जो टीम का एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से आपको तैयारी करवाई जाएगी। आगे अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉल करो, आपकी सारी करियर के रिलेटेड प्रॉब्लम है काउंसलिंग की वो सारी फैसिलिटीज यहाँ अवेलेबल है, आप इन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, हैव ए गुड डे।